नमस्ते बच्चों, मैं JVN डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से। आज मैं BA BEd के फोर्थ सेमेस्टर के हिंदी गद्य पेपर के अंतर्गत फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी लाल पान की बेगम के बारे में बताऊंगी। इस कहानी के पात्र हैं बिरजू की माँ, बिरजू के बाबा बिरजू जो कि 7 साल का है, चंपिया जो उसकी बहन है और 10 वर्ष की है, जंगी की बहू जो अभी नई दुल्हन है, और मखनी भुआ जो अकेली है और पड़ोस में रहती है। ये जो कहानी है लाल पान की बेगम, ये ग्रामीण परिवेश की कहानी है और इसमें मानव मन की छोटी छोटी सी संवेदनाएं हैं और इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं। ग्रामीण लोग, गांव के लोग छोटी छोटी सी इच्छाओं के साथ जीते हैं और उन्हीं में अपने जीवन का सार ढूंढते हैं। इस कहानी की जो नायिका है वो बिरजू की माँ है, और इसमें रेणु जी ने इसको बिरजू की माँ ही नाम दिया है। वो एक स्त्री सशक्तिकरण का उदाहरण है। इसमें रेणु जी ने इस बात का प्रतिपादन किया है कि एक स्त्री भी अपने जीवन को अपनी इच्छा अनुसार जीने का अधिकार रखती है। वह आत्मसम्मान के साथ जीना चाहती है और ऐसी कोई भी परंपरा या कुप्रथा को वह अस्वीकार करती है जिसमें उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचती हो। बिरजू की माँ एक सशक्त स्त्री है। उसने अपने सपने और आकांक्षाएं हैं। वो कहती है कि उसके पति ने पूरा जीवन कठिन परिश्रम करके बिता दिया, किंतु खुशी के 2 क्षण भी नहीं दिए। उसका पति यानी बिरजू का पिता एक दब्बू व्यक्ति है। वह सादा जीवन जीने में विश्वास करता है, और बिरजू की माँ एक प्रगतिशील विचारों वाली स्त्री है। वह परिवार में सबका ख्याल रखती है और सबकी सहायता करने के लिए भी तत्पर रहती है। बिरजू की माँ को उसके पति ने यानी कि बिरजू के पिता ने गाड़ी पर मेला देखने के ले जाने की बात कही थी, वादा किया था। इसी विश्वास पर वह गली में सभी को ये बात बता देती है और 8-10 दिन पहले से ही सब लोगों को ये बात कहती है कि हम सब गाड़ी से मेला नाच देखने जाएंगे। परंतु समय पर गाड़ी न मिलने के कारण, चूँकि बैल उनके पास थे और गाड़ी लानी थी, इसलिए समय पर गाड़ी न मिलने पर उसके पति को आने में देर हो जाती है। वो सुबह से प्रतीक्षा करती है, लेकिन रात हो जाती है पर बिरजू का पिता आता है और बिरजू की माँ और सभी महिलाएं गाड़ी में संवर कर बैठती हैं। गाड़ी चांदनी रात में दौड़ने लगती है। उस आनंद की अनुभूति में बिरजू की माँ स्वयं को लाल पान की बेगम समझने लगती है, यानी अपूर्व और महत्वपूर्ण सुंदरी। कहानी में परिवार के आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर होने का वर्णन भी आता है, परंतु आत्मीयता सारे अभावों को हरा देती है। इस कहानी की भाषा आंचलिक है और सारा परिवेश भी ग्रामीण है। रेणु जी ने इस कहानी को जो लिखा है उसका उद्देश्य है कि व्यक्ति कभी भी अच्छा या बुरा नहीं होता, उसकी परिस्थितियां ही व्यक्ति को अच्छा या बुरा बनाती हैं। एक छोटी सी घटना के माध्यम से मानव स्वभाव की विभिन्न परतें खोलना इस कहानी का उद्देश्य कहा जा सकता है। और देखा जाए तो कहानी का प्रारंभ ही परंपरागत तरीके से होता है। आसपास की स्त्रियां व्यंग्यात्मक संवाद से प्रारंभ करती है कहानी का। वो कहती है, जैसे मखनी बुआ वहाँ से कहती है, क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी? तो इस प्रकार से जो कहानी का प्रारंभ है वो परंपरागत तरीके से प्रारंभ नहीं होता और एक अलग तरीके से उस कहानी की शुरुआत होती है। इधर जो बिरजू की माँ है वो बहुत ही अलग स्वभाव की है, नाराज़ भी हो जाती है, दिखाया गया है। मतलब हर दृश्य इस तरह का रेणु जी ने दर्शाया है कि उसको दिखाया है कि गांव में जिस तरह से होता है, गांव की स्त्रियाँ एक दूसरे पर व्यंग भी करती हैं, ताने देती हैं, छुप के बात करती हैं, फिर वैसी हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी वैसा का दृश्य उन्होंने रेणु जी ने खींचा, और था भी सही कि बिरजू के जो पिता थे वो
मजदूर से एकदम स्वतंत्र किसान हुए थे, उनके पास ज़मीन वगैरह आ गई थी और उन्होंने बैल ले लिए थे। बैल उस समय बड़ी समृद्धि का प्रतीक माने जाते थे। तो बिरजू के जो माँ थी, इसलिए वो थोड़ी सी उसके अंदर एक हुआ आ गया था कि भाई मैं तो अब पहले जैसी हालत नहीं है, मैं थोड़ी सी अच्छी स्थिति में हूँ। तो स्त्रियों के व्यंग करने पर भी नाराज़ हो जाती है, सब परेशान होती है, लेकिन फिर कुछ समय बाद वो नाराज़गी को दूर अपने आप ही मन से निकाल देती है और फिर वापस वही वातावरण खुशनुमा हो जाता है, उन सबको वैसे ही बात करने लगती है, भूल जाती है कि किस किस स्त्री ने कौन कौन से उसके साथ कड़वे बातें कही थी, कड़वी वचन कहे करे थे। तो बहुत ही सुंदर कहानी है ये। और अंत में वो अपने आप को जब बैलगाड़ी में रात में जाती है, चांदनी रात में, और उस स्त्रियों को साथ में लेके, तो वो वास्तव में समझती है, लाल साड़ी पहन के, किनारे वाली मांग टीका लगा के और बिंदी लगा के जब वो उसमें बैठी होती है, तो आँख के दोनों हुए कोर से और अपने नाक की ओर देख के अपने रूप को एक तरह से अपने रूप पे लुभाती है कि वह सच ही तो कहती है, मैं क्यों नाराज़ हुई थी उस दिन जंगी की बहू के कहने पर, जंगी की पतोहू के कहने पर कि ये तो लाल पान की बेगम है। तो मैं तो वास्तव में हूँ लाल पान की बेगम, तो मैं हूँ बेगम, तो मैं हूँ और लाल पान की। तो इस तरह से वो है, इस कहानी जो है अंत होता है और वो कहती है कि अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तो छोटे छोटे से जो मन की इच्छाएं हैं उन भोले लोगों की, ग्रामीण लोगों की, बस उनको पूरा करते हुए उनको पूरा करने में ही, उन छोटे छोटे से सपनों को पूरा करने में अपने जीवन का सार समझते हैं। और एक पूरा एक परिवेश उन्होंने, ग्रामीण परिवेश इसमें खींचा है, बहुत ही सुंदर भाषा में, सुंदर तरीके से। इसमें कई क्षेत्रीय शब्द भी आए, जैसे कुकर माछी, कुत्ते पर बैठने वाली मक्खी, कलेवा मतलब निवाला भोजन, और बागड़ लंबा चौड़ा, राकस राक्षस, पाट जूट, और मुहावरे भी आए हैं जैसे कि चुड़ैल मंडराना, और आगे नाथ न पीछे पगहा, आगे पीछे मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं होना, जोरू ज़मीन जोर के नहीं तो किसी और के, और इस तरह के जो इसमें वो आए हैं मुहावरे वगैरह, बहुत खूबसूरत है। भाषा भी इसकी क्षेत्रीय है और सुंदर है। तो कुल मिला के ये जो कहानी है, बहुत सुंदर कहानी है रेणु जी की, लाल पान की बेगम। और इसमें स्त्री सशक्तिकरण की बात है, उसके सम्मान की बात है, और छोटे छोटे से अपनी अभिलाषाओं को पूरे करने की, अपने जो सपनों को पूरे करने की अभिलाषा है, और साथ में छोटे छोटे सपने, मानवीय संवेदनाएं। कुल मिला के कहानी बहुत ही सुंदर है। तो बच्चों, मुझे लगता है आपको ये कहानी समझ में आई होगी और इसका उद्देश्य समझ में आया होगा। अगर ये फिर भी आपकी यदि कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके समस्या को दूर करूंगी। आज इतना ही, शेष अगले वीडियो में। नमस्कार।